फरवरी को होने वाले रामगढ़ उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। सभी अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। जहां सियासी दलों के बीच में चुनाव को लेकर जुबानी हमले बढ़ गए हैं, तो वहीं पर जीत के दावे भी खूब किए जा रहे हैं। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर एनडीए और यूपीए दोनों गठबंधनों की ओर से अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। जहाँ एनडीए नेता अपनी प्रत्याशी सुनीता चौधरी के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो के समर्थन में अपनी उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान एक दूसरे पर खूब जुबानी हमले भी किए जा रहे हैं। क्योंकि मैं इस क्षेत्र को जान रहा हूं, क्योंकि राज्य बना तो उस समय यहां से विधायक भी थे। उस समय तो कहीं सड़क भी नहीं था, घरों तक बिजली भी नहीं थी। आप देख रहे हैं सब जगह सड़कें भी है, बिजली भी है, पीने का पानी भी है, यानी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो जब जब राज्य में या देश में भी एनडीए की सरकार बनी। तो वहीं सत्ता पक्ष हेमंत सरकार के 3 साल के कामकाज के आधार पर बजरंग महतो के लिए वोट की अपील करने के साथ जीत का दावा भी कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी, उनके पूरे टीम, आरजेडी के टीम, लेफ्ट के टीम, सारे लोग हम लोग एकजुट होकर इस चुनाव को जीतने के लिए असंभव प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान गठबंधन सरकार द्वारा किए जा रहे जल उपयोगी योजनाओं के प्रचार प्रसार से अपनी प्रतिष्ठा को कैसे यथावत रखें, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। 2019 के विधानसभा के चुनाव के बाद हुए 4 उपचुनावों में यूपीए गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि झारखंड की जनता ने 2019 में जो हेमंत सोरेन जी को जनादेश दिया था, उनका भरोसा पिछले 4 उपचुनावों में हेमंत सोरेन सरकार पर कायम है। और हमें पूरी उम्मीद और भरोसा है कि रामगढ़ की जनता का आशीर्वाद ममता देवी और उनके पति को पुनः प्राप्त हो। दावे तो बहुत हैं, लेकिन रामगढ़ की जनता क्या फैसला करती है, इसके लिए 27 फरवरी का इंतजार करना होगा, जब उपचुनाव के लिए मतदान होगा। मनीष मेहता के साथ झूलन अग्रवाल, जी मीडिया, रामगढ़।